नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच हुई सैन्य झड़प का मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष जहां इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे घटनाक्रम पर संसद के दोनों सदनों में बयान दे दिया है। सेना ने भी इस मुद्दे पर एक विस्तृत बयान जारी कर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि भारत की एक इंच भूमि पर भी न कब्जा हुआ है न कोई कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या स्थानीय निवासी, सभी कह रहे हैं कि सेना ने चीन को जवाब दे दिया है और हमें सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन विपक्ष फिर भी तमाम आरोप लगा रहा है। यहाँ विपक्ष से सवाल पूछा जाना चाहिए कि सरहद से जुड़े मुद्दे पर सियासत करना जरूरी है या सरहद पर दुश्मन का इलाज करना जरूरी है। जहां तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की बात है तो आपको बता दें कि जिस इलाके में झड़प हुई वह उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उनका कहना है कि हमारी सेना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दे रही है और यह 1962 नहीं बल्कि साल 2022 है। देखिए, अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था, इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन, जहाँ भी है हम लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांगसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारे वहाँ पे यांगसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज़ PLA को जो वापस जो किया है वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से अपना प्रदेश और ये देश जो है काफ़ी हम लोग का सेफ गार्ड में है। वहीं तवांग झड़प को लेकर हो रही राजनीति पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि LAC पर किस हरकत का जवाब कैसे और कब देना है यह सेना को तय करना है, न कि ओवैसी को। उन्होंने कहा कि ओवैसी की हिम्मत भी नहीं होगी तवांग तक जाने की। भारतीय सेना चाइनीज का साथ जो भी तवांग में हो रहा है ये हम लोग को मालूम है। वी हैव ऑल सीन एंड दे आर एंगेजिंग इन ए वेरी क्रिटिकल बैटल। और क्रिटिकल जो एक होता है कि आईबॉल टू आईबॉल में है। सेना डिसाइड करेगा कब क्या बताना चाहिए, कितना दूर किसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और सेना का ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है उसी का अनुसार ही ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का व्यवस्था होगा। ओवैसी जी कह रहे हैं कि आप लेकर चलिए हम लोगों को अपोजिशन। कहां ओवैसी तवांग जाएगा, क्या बात बोलता है यार। ओवैसी तवांग जाने का उनका दम भी है क्या? हमारा आर्मी का ऊपर विश्वास है, जो बोलना सही हो डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, जितना आर्मी बोलेगा कि भाई इतना जाके बोलो। वहीं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें सेना पर पूरा भरोसा है। लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने नापाक हरकत की हो, लेकिन हमारी सेना ने हमेशा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि सीमा पर शांति सिर्फ भारतीय सेना की वजह से ही है। इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड और हमें अपने इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है और हर बार हमने उनको धूल चटाई है। हर बार हमेशा आने वाली जो भी हमारी जंग होगी नहीं होगी, लेकिन जब भी कुछ होगा तो हमारी आर्मी जो है इतनी कैपेबल है कि बिल्कुल उनको पीछे खदेड़ने में हमेशा कामयाब रहेगी। सर, मैं अभी तेजपुर से अभी तवांग आ रहा हूँ, तो पूरा हमारा आर्मी जो है वो यहाँ पे पूरा आर्मी हमारा पूरा साथ दे रहा है और यहाँ पे हम आर्मी की वजह से आज हमें यहाँ पे बहुत पीस और शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पे बना हुआ है। सो इंडियन आर्मी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो हमेशा ऐसा ही माहौल हमेशा बनाए रखेगी। आवर नेशनल आर्मी इज द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आई एम प्राउड फॉर माई आर्मी। माई एल्डर ब्रदर इज ए एक्स मिलिट्री मैन। He was a captain in Air Force. Now he is retired. The road construction is too much beautiful, and we hope that the army in future to protect our country. I am proud of my army men.
इंडियन आर्मी को हम लोग पूरा भरोसा है, इंडियन आर्मी है इसलिए आज हम लोग खुल के जी सक रहे हैं। हाँ जो भी सिचुएशन होगा तो वो लोग पूरा भरोसा है, वो लोग सब कुछ करेगा, उन लोग पूरा फुल भरोसा है हम लोग। हाँ सब सुख शांति है, सब मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर में कुछ होता होने से भी हम लोग यहाँ में मतलब हम लोग मतलब अपना घर में सुरक्षित है हम लोग, पीसफुल। यस हाँ पीसफुल है हम लोग, बहुत अच्छा है हम लोग को, इंडिया का आदमी के लिए उन लोग का सपोर्ट इतना है, उन लोग का वजह से हम लोग भी शांति से बैठ सकते हैं ना, उन लोग बॉर्डर में तैनात है तो बहुत अच्छा है उन लोग के लिए। वही बोलना चाहता हूँ, उन लोग को अच्छा हो, तकलीफ नहीं होना है ना, वही है हम लोग को, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेगा, सपोर्ट करेगा। अभी तवांग का माहौल फिलहाल बहुत अच्छा है, और फिलहाल वहाँ बॉर्डर पे थोड़ा चाइना और इंडिया थोड़ा उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ ऐसे कुछ सुनाई दिया वैसे हम लोग को। वैसे फिलहाल यहाँ तवांग में रहने वाले लोग को तो कुछ भी तकलीफ कुछ भी नहीं है फिलहाल, पीसफुल यस। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं किस वजह से? ये जो हम लोग का इंडियन आर्मी के वजह से बॉर्डर पे वो लोग फिलहाल अपना रक्षा कर रहे हैं हम लोग के लिए, और इसलिए हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित। यहाँ की अभी के माहौल के बारे में बताइए। अभी के माहौल तो यहाँ पे बिल्कुल शांत है, और हम लोग को जितने भी यहाँ पे तवांग वासी है तो हमारे सैनिकों के कारण हम सुरक्षित हैं, और हम हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और कुछ अभी हाल ही में कुछ वहाँ पे बॉर्डर में कुछ हम लोगों को ये कुछ सुनने को मिल रहा है, ये भी हमें मीडिया पर्सनों के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही हमको खबर मिल रही है, तो हमको तो ये पता भी नहीं चल रहा है। तो और हम लोग हमेशा से अपने फौजी भाइयों और भारत के जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं उनके होते हुए हम हमेशा सुरक्षित हैं, और हम सुरक्षित रहेंगे, हम ऐसा ही महसूस करते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि चीन की सारी हेकड़ी निकालने के लिए भारतीय सेना सदैव तत्पर रहती है और अपनी तैयारियों में कभी कोई कमी नहीं आने देती। अब चूंकि यह नया घटनाक्रम तवांग से सामने आया है, इसलिए आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में आज से 2 दिवसीय अभ्यास करेगी, जिसमें LAC के करीब सभी युद्धक विमान और इस क्षेत्र में तैनात अन्य संसाधन शामिल किए जाएंगे। सूत्रों ने कहा है कि इस अभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना की समग्र युद्धक क्षमता और इस क्षेत्र में सैन्य तैयारियों को परखना है। वैसे इस युद्ध अभ्यास का ताजा तनाव से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भारत और चीन की सेनाओं के बीच ताजा गतिरोध के बहुत पहले इस अभ्यास की योजना बनाई गई थी, और इसका इस घटना से इस लिहाज से कोई संबंध नहीं है। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और राफेल जेट समेत अग्रिम पंक्ति के विमान युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वायुसेना के सभी अग्रिम अड्डे और कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को भी इस अभ्यास में शामिल किया जाना है। हम आपको बता दें कि सेना और वायुसेना अरुणाचल और सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख विवाद के बाद से पिछले 2 सालों से उच्च स्तरीय संचालनात्मक तैयारियों को बरकरार रखती आई हैं। भारतीय वायुसेना ने पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भारतीय हिस्से में चीन की बढ़ती हवाई गतिविधियों के बाद अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाया था। सूत्रों ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में चीन द्वारा ड्रोन सहित कुछ हवाई प्लेटफॉर्म की तैनाती तवांग सेक्टर के यांगत्से क्षेत्र में यथास्थिति को एकतरफा बदलने के लिए 9 दिसंबर को किए गए चीनी सेना के प्रयासों से पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि चीनी ड्रोन LAC के काफ़ी पास आ गए थे, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को अपने युद्धक विमान उतारने पड़े थे और समग्र युद्धक क्षमता को बढ़ाना पड़ा था। पूर्वोत्तर से ही एक और खबर है कि भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से मेघालय के उमरोई में आज से शुरू होने वाले 2 सप्ताह के आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन करेंगी। हम आपको बता दें कि वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था, जिसे 2018 में अभ्यास काजिंद का नाम दिया गया था। सेना ने कहा है भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का 6ठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर तक उमरोई में आयोजित किया जाना है। सेना ने कहा है कि कजाकिस्तान के क्षेत्रीय कमान के सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। सेना ने कहा है कि अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और अर्ध शहरी और जंगल परिदृश्य में आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना है।
सेना ने कहा है कि यह अभ्यास भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।